शहर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा 8 जुलाई को निकाली जाएगी। इसके लिए मेला कमेटी की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरोना के कारण 2 साल बाद रथों को मेंटेनेंस के लिए बाहर निकाल लिया गया है। 2 बड़े व 2 छोटे रथ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रूपबास मंदिर जाएगी। मंदिर के पंडित ने बताया कि राट नगर में रहने वाले जांगिड़ परिवार की चौथी पीढ़ी रथ को सवारने में लगी है। कारीगर प्रदीप जांगिड़ के बाबा जसराम महाराजा प्रताप सिंह के समय में रथ की साफ सफाई से लेकर मरम्मत का कार्य किया करते थे। उनके बाद इस कार्य को उनके ताऊ भगवान द्वारा किया गया, फिर उनके बड़े भाई दिनेश जांगिड़ और अब उनके पुत्र जितेंद्र द्वारा रथ की मरम्मत की जा रही है। इस कार्य को करने के लिए अपने साथ लेबर का सहयोग भी लेते हैं। रथ यात्रा के दौरान संचालन भी उनके द्वारा ही किया जाता है। वो लोग अपनी टीम के साथ रथ के साथ चलते हैं, जिसे किसी भी तरह की असुविधा होने पर उसे दुरुस्त किया जा सके। रथ लकड़ी का बना हुआ है। रथ के पहियों की ग्रीसिंग रंग रोगन के साथ ही टूट फूट सही की जाती है। फिर इसके बाद नया कपड़ा चढ़ाकर विशेष सजावट की जाती है। गौरतलब है कि महाराजा बख्तावर सिंह ने करीब 200 साल पहले रथ का निर्माण कराया था, जिसके पहिए व सोकर सहित कई अन्य सामान लंदन से विशेष तौर पर मंगवाए गए थे। जगन्नाथ के इस रथ के अंदर जो कारीगर जो आज काम कर रहे हैं, जैसे अभी जितेंद्र शर्मा कर रहा है, इसकी 4 पीढ़ी से इनके दादा परदादा और इनके पिताजी, इन्होंने एक एक अपने उसमें पूरे में इस 5 पीढ़ी से इस रथ का रख रखाव किया है। क्योंकि एक व्हीकल ऐसा है कि साल भर रथ खाने में रहता है, इसको बाकायदा हर साल रथ रंग रोगन कराए जाते हैं, वांगने का काम किया जाता है और इसमें कोई दीमक की कोई ऐसी समस्या नहीं हो उसका ये ट्रीटमेंट इसमें बाकायदा किया जाता है। इसकी विशेष पूजा जाता है इस समय इसकी जो परंपरा है, हाथी तो ओले भी लहनी ट्रैक्टर द्वारा कंपनी के नए ट्रैक्टर इसमें लगते हैं। लोगों की मान्यता है कि वो ट्रैक्टर जो परचेज करते हैं वो इसमें नया जैसे ही रथ में लगते हैं उसको बाकायदा पहले ही बुक कराते हैं और ट्रैक्टर के द्वारा इसकी रथ की खिंचाई होती है। कितने सालों से निकाला जा रहा है ये जो है, प्रताप सिंह जी जब से एक्सपायर हुए हैं ये 80 के दशक के आसपास, तो इस बात को ये मान के चलो कि 32-33 साल हो गए जब से ट्रैक्टर के अंदर ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। प्रताप सिंह जी थे तो हाथी अवेलेबल थे, अब हाथी अवेलेबल है नहीं। क्या शुभ नाम है? पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ मंदिर अलवर।